हम पिछले 27 दिन पवित्र रोजरी विनती क्या है और उसमें प्रयोग की जाने वाली जो प्रार्थना है उनके बारे में हम मनन चिंतन करते हुए सीखते आए हैं। आज 28वां दिन हम पवित्र रोजरी विनती वास्तव में किस स्थिति में और कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आज और आने वाले दिनों में मनन करेंगे। तो आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे कि हमें किस स्थिति में रहकर अवस्था में रहकर पवित्र रोजरी विनती और वास्तव में अन्य प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए ताकि उसके जो पूर्ण फल हैं हमें मिल सके। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 9 में लिखा है, पापी के मुंह में प्रशंसा अशोभनीय है। यदि एक पापी ईश्वर की प्रशंसा करता है तो ईश्वर कहते हैं वो अशोभनीय है, वो स्वीकार्य नहीं है। प्रभु येसु स्वयं कहते हैं संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 6 में, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये वास्तव में नबी इसाईस की भविष्यवाणी है। तो क्या आपकी और मेरी स्थिति ऐसी है कि हम पाप की अवस्था में हैं, पाप की स्थिति में हैं, हम पाप करते जाते हैं और हम प्रार्थना करने के लिए भी जा रहे हैं? तो ईश्वर आज हमसे कहते हैं कि हमें अपने आप को सुधारना भी जरूरी है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, यदि एक व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है और प्रार्थना से बाहर निकलते समय उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है तो वास्तव में वो प्रार्थना नहीं किया। वह भले कोई भी प्रार्थना हो, पवित्र मिसा बलिदान हो, पवित्र रोजरी विनती हो, कोई भी प्रार्थना हो, यदि उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आया है तो वास्तव में वह प्रार्थना नहीं किया। ये आपके लिए और मेरे लिए कितना सच है। शायद मेरे जीवन में भी यही हो रहा, आपके जीवन में भी यही हो रहा होगा। तो आज ईश्वर हमें एक प्रकार से सचेत होने और सुधर जाने के लिए हमें चेतावनी दे रहे हैं, अन्यथा हमारी जो भक्ति कार्य है, हमारी प्रार्थनाएं हैं, ये सब हमारे लिए एक जगर बन सकते हैं, पॉइजन बन सकते हैं आशीष के बदले में। जैसे प्रभु येसु के 12 प्रेरितों में से एक यूदास इस्कारियोति प्रभु येसु के साथ पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में वहां सहभागी हुआ, लेकिन प्रभु येसु के शरीर को उस रोटी के रूप में ग्रहण करते ही उसके शरीर में शैतान घुस गया। तो हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। तो आज के मनन चिंतन में हम जो मनन कर रहे हैं कि हमें पवित्र स्थिति में अवस्था में रहकर यानी ईश्वर की कृपा की स्थिति में रहकर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हमें जो मां मरियम प्रतिज्ञा की है और जो पिछले कुछ दिनों में हम भी मनन किए हैं कि पवित्र रोजरी विनती करने से क्या क्या लाभ होते हैं या फायदा होता है, वे सब हमें मिल सकते हैं। तो ये एक कंडीशन, एक शर्त हमें पूरा करने की जरूरत है। तो हम कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कितने उत्साह के साथ, जोश के साथ, चाहत के साथ और पवित्र अवस्था में रहकर हम करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों रूप में, दोनों साइड से हमें देखने की जरूरत है। मतलब संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट हमसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति वास्तव में सही तरीके से पूर्ण रूप से पवित्र रोजरी विनती में उन रहस्यों पर मनन करते हुए भाग लेता है या रोजरी विनती करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना अनिवार्य है। यदि उसके जीवन में यह परिवर्तन, उचित परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये उचित तरीके से, उचित रीति से वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यदि हम पापी हैं या पाप के स्थिति में, अवस्था में हैं, पाप की अवस्था मतलब ये छोटे पापों का केवल नहीं, हम कह रहे हैं कि वो आत्ममारु पाप, तो हमें आत्ममारु पाप की स्थिति से हमें छुटकारा पाना और उन अवसरों से बचे रहना जो हमें उस पाप में गिराते रहते हैं, ये हमारे लिए एक लगातार लड़ने वाली एक लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम इस धरती में हैं हम पाप करते रहेंगे, लेकिन हमें उस पाप की अवस्था से, स्थिति से बचे रहना, उसे उबर कर ईश्वर के पास दौड़ते जाना ये अत्यंत आवश्यक है और उसमें पवित्र रोजरी विनती हमारी सहायक है। और विशेष रूप से पवित्र रोजरी विनती क्यों पापियों के मुख से ईश्वर पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रार्थनाएं, विशेष रूप से हे हमारे पिता या प्रभु की विनती और प्रणाम मरिया, ये दोनों ईश्वर द्वारा प्रयोग किए गए शब्द हैं। स्वर्गदूत गैब्रियल जो शब्द कहे वो वास्तव में ईश्वर के शब्द हैं। ईश्वर स्वर्गदूत गैब्रियल को इन शब्दों को देकर उसको भेजे, पर प्रभु की विनती स्वयं ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द।
ये दोनों पवित्र व्यक्तियों के मुख से निकले हुए उन शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं, और जरूर पवित्र रोसरी बिंदी के जो रहस्य हैं, भेद हैं, वे भी पवित्र बाइबल से लिए गए हैं, मतलब वो पवित्र आत्मा के शब्द हैं, तो हमें कितने पवित्र होकर उनका प्रयोग हमें करने की जरूरत है, हमें समझना है। इसलिए एक घटना का वर्णन यहाँ संत लुईस दे मॉन्फोर्ट करते हैं कि एक दिन मां मरियम एक पापी मनुष्य को दिखाई दी जो हर दिन रोसरी बिंदी करता था, और उनके सामने एक बाउल में, एक बर्तन में जो बहुत ज्यादा गंदा था, उसमें कुछ फूलों को दिखाई, और वो व्यक्ति देखकर घबरा गया, डर गया, कहा माँ ये क्या है? तो माँ मरियम उस व्यक्ति से कही, बेटा तुम भी यही कर रहे हो, तुम अपने पाप की अवस्था से उबर कर बाहर नहीं निकलना चाहते हो, उसी में बने रहते हो, और तुम रोजरी बिंदी करते हो जो कि एक एक रोज के रूप में, गुलाब के रूप में मेरे पास आते हैं, लेकिन इस अवस्था में, स्थिति में क्या ये मेरे लिए स्वीकार्य है? तो वह व्यक्ति डर गया और वो मन परिवर्तन कर अपने पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, पाप को त्याग कर पूर्ण रूप से एक अच्छा व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति बन गया। इसलिए हम भी कोशिश करें, ये सब हमारे लिए एक उदाहरण बने कि हम भी बहुत ही भक्ति भावना से, प्रेम से भर कर पवित्र रोसरी बिंदी करें, और वह हमारे जीवन को बदल दे, और हम पवित्र बनकर जो प्रतिज्ञाएं मां मरियम और ईश्वर हमें दिए हैं उनको पूर्ण रूप से पाने के लिए हम भी उस अवस्था में आने की कृपा रोसरी विनती में मांगते हुए करते हैं। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। दया का तू है मेरी।